बहुत मेहनत लगता है, सिर्फ धान को उपजाने से लेकर सुखाने तक, चावल निकालने तक बहुत मेहनत लगता है, बहुत प्रोसेस होता है, तब जा करके एक बढ़िया चावल बनता है और एक रईस आदमी बड़ी चाव से काटेंगे और खाता है धूप वो। में सुखाएंगे। बहुत सारा गर्दा है, बहुत ज्यादा गर्दा, अभी कितना ज्यादा गर्दा है, बहुत सारा गर्दा है, उठा नहीं पा रहा, अकेले बहुत भारी लग रहा है। और उधर कन्हैया भी रो रहा है, इसमें देख सकते हैं मम्मी जी इसको मतलब पछल रहे हैं, कितना गर्दा है देख सकते हैं, बहुत ज्यादा गर्दा है तरह से। एक बार तो हेलो दोस्तों, नमस्कार, प्रणाम, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे और स्वस्थ होंगे, अपने अपने जीवन में मस्त होंगे दोस्तों। तो आज का सुबह होता है हम लोग का इस तरह, थोड़ा गार्डन टाइप आए हुए हैं बाड़ी तरफ दोस्तों, और आज का ब्लॉग होने वाला है कुछ खास दोस्तों, तो बने रहिए हमारे ब्लॉग के पास। तो देरी ना करते हुए चलिए ब्लॉग को करते हैं शुरू। देख सकते हैं हम फील्ड में आ गए हैं और देखते हैं रूपा जी क्या कर रही है, तो चलिए देखते हैं दोस्तों। आ देखिए रूपा जी आ गया है दोस्तों, देख सकते हैं कहाँ गई थी, देखिए दोस्तों, और तो कितना सब सुबह लोग का सुबह। काम होता है गोबर साफ करना, गोहाल साफ करना, बर्तन धोना, झाड़ू धोना, मतलब झाड़ू लगाना। काम करते करते भूल ही जाते क्या क्या करते हैं। सो थक चुके हैं, सुबह एकदम 6 बजे उठे हैं। हाँ, सारा काम हो चुका है, बस सिर्फ गोबर को पारना बाकी है। तो चलिए आप लोग दिखाते हैं, देखे होंगे आप लोग रेगुलर वीडियो देखते हैं, उनको पता है कि हम लोग गोबर कहाँ पारते हैं, और नहीं जिनको पता है वो आज देख लीजिए फिर से। सकते हैं दोस्तों फिर से हम लोग यही गली में आ गए हैं और अभी जा रहे हैं गोठा मतलब खेत ले जा रहे हैं गोबर को, और वहाँ गोबर इधर को धूप नहीं आता है तो हम लोग हाँ थोड़ा बहुत दूर ज्यादा जाके। छांव का हाँ है कि देखिए कितना पेड़ उड़े है, देखिए हाँ तो बहुत ज्यादा पेड़ है इधर दोस्तों, बहुत ज्यादा पेड़ है। धूप नहीं ना आता इसीलिए खेत ले जाते हैं। हाँ तो चलिए दोस्तों हम लोग इधर से पार होंगे दोस्तों, इधर इस टाइप में हम लोग का रास्ता है, और थोड़ा हम पंचर है, मेरा पैर सही नहीं है तो हम लोग तेज नहीं चल पाते हैं दोस्तों, इसलिए थोड़ा पीछे पीछे आते हैं दोस्तों। यहाँ पे इस तरह हम लोग का खेत है, और जो हमारे पुराने सब्सक्राइबर होंगे, जो हमारे पुराने जो वीडियो रेगुलर देखते होंगे, उनको पता होगा कि हम लोग यहाँ पे गोबर वगैरह पारते हैं क्या, जो देख सकते हैं इस तरह से। एक बार लाके एकदम देख सकते हैं, वहां पार दिया है एक बार, मतलब इसमें हमारे घर में दो, इसमें भर भर के 2 बार होता है गोबर। अभी एक बार लाए और एक बार पहले यहाँ लग के सूखने दे दिए हैं, और देखिए कितना सारा गोबर हम सूखने दिए हैं, बहुत सारा। और काम करते करते ना सुबह उठते हैं ठंडा लगता है, काम करते करते गर्मी लगने लगता है, तो अभी सारा गोबर को इस तरह से गोली गोली बना के पार लेते हैं दोस्तों। दोस्तों देख सकते हैं देसी जुगाड़ हम लोग का, खेत तरफ आए तो देसी नुस्खा, देसी दुश्मन हम लोग तोड़ लिए हैं, और इसी से हम लोग भी मुंह भी धो लेंगे दोस्तों, इस तरह से तोड़ के। देखिए ये दतवन हमारा बन के रेडी हो गया। तो फाइनली दोस्तों देख सकते हैं हमारा जो अगला वाला गोईठा, इसे हम लोग पार पहले के। जो हम हाँ लोग गोईठा रखे थे ना वो वाला सूख गया है, तो अभी इसको पलटी कर देते हैं ताकि और फिर। बढ़िया से सूख जाएगा हाँ क्या? पलटी कर देने से सूखेगा, एक साइड सूख गया और एक साइड सूखना बाकी है, इतना सारा गोईठा सूख चुका है, इसको सूख जाएगा तो घर ले जाएंगे। देखिए इतना सारा है, इतना सारा गोईठा हमारा सूख चुका है दोस्तों, देख हाँ सकते हम हैं। इसी से खाना बनाते हैं ना, थोड़ा हाँ इसको और सारना पड़ता है हम लोग इसको जलावन ना, में। आंगन ले जाते हैं लेकिन नहीं ले जा सकते दोस्तों, अभी आप लोग को दिखाएंगे। चलिए अभी आंगन में हम लोग धान सूखने देंगे, जो सिझा के रखे थे पहले पहले वाला वीडियो में देखे थे आप लोग, सुखा के रखे हैं, मतलब सिझा के रखे हैं, उसको भी सुखाना पड़ेगा, बहुत सारा प्रोसेस है धान का एकदम चावल निकालने में। हाँ तो तब चलिए जाके चावल बनता है, हाँ बहुत प्रोसेस करना बहुत पड़ता है। प्रोसेस, तो अभी चलिए दिखाते हैं आप लोगों को कैसे हम लोग धान निकालेंगे। नहीं तो भी जितना गोईठा ना सारा गोईठा भी आंगन ले जाते हैं वहीं सूखने देते हैं, लेकिन आंगन नहीं ले जा सकते वहाँ धान सूखने देंगे इसलिए। चलिए दोस्तों तो हम लोग चलते हैं घर, और यहाँ पे गोईठा हम लोग सूखने के लिए दे देते हैं, और वहाँ पे हम लोग अभी काम करेंगे क्या। देख सकते हैं दोस्तों हम लोग अपना गली में आ गए हैं, और ये हमारा रहा मेन गेट हमारा बाड़ी का, और इधर से हम लोग एंट्री करते हैं दोस्तों, इस तरह से उठाना पड़ता है, देखिए हमारा ये गेट है, और इस तरह से हम लोग एंट्री कर गए हैं। और चलिए अब घर में डायरेक्ट मिलते हैं दोस्तों, लगाइए जी, बांधो बांधो। दोस्तों घर पहुंच चुके हैं, देखिए अभी हाथ पूत नहीं धोए हैं, सूख चुका है गोबर तो कुछ नहीं होगा, अभी इसी से धान को निकालते हैं दोस्तों, क्योंकि धान में भी बहुत सारा गर्दा है, निकाल लेंगे उसके बाद हाथ पैर धोएंगे।
आप लोग तो देखें कि यहाँ पर रखे थे धान, तो भी देख सकते हैं इस तरह से निकालेंगे और धूप में सुखाएंगे। बहुत सारा गर्दा, बहुत ज्यादा गर्दा देखिए अभी कितना ज्यादा गर्दा है, बहुत सारा गर्दा है। इस तरह से निकालेंगे सारा धान को दोस्तों, निकालते हैं भी। तो दोस्तों हम लोग जल्दी जल्दी यहाँ से निकाल लेते हैं धान को, क्या पड़ेगा धान को। तो दोस्तों देख सकते हैं यहाँ पे हम लोग इतना सारा धान निकाल चुके हैं दोस्तों, और इधर देख सकते हैं हल्का सा बचा हुआ है। मेरे एक दिन में सूखेगा भी नहीं, हम लोग रोज भी धान निकालना पड़ेगा, क्योंकि ना ज्यादा मोटा निकाल देंगे ना तो फिर सूखेगा नहीं, पतला पतला काम कम निकालेंगे। और दोनों भाई बड़ी लड़ाई करता है, देखिए दोनों एकदम बड़ी लड़ाई करता है। कन्हैया देखो क्या हो रहा है, और देख सकते हैं दोस्तों इतना सारा इधर निकाले हैं दोस्तों, और इधर इतना सारा निकाल चुके हैं, और सबको अभी हम लोग ला रहेंगे अच्छी तरह से, क्या दोस्तों इतना सारा गर्दा है ना, मुंह ढक लिए, किया कितना ज्यादा गर्दा है। नीचे साइड में मिट्टी का घर है ना, पूरा एकदम छूट रहा है मिट्टी, नीचे वाला पूरा गर्दा उड़ रहा है। इधर से हम धान को घाट रहे हैं, सारा धान को इधर देखिए उस तरह से पसा रहे हैं, तो उस तरह से पसारना पड़ेगा इसको भी। खांसी हो गया, खांसी, इतना ज्यादा गर्दा था ना, बहुत ज्यादा गर्दा था इसलिए खांस रहे। देख सकते हैं दोस्तों इस तरह से एकदम घाटना ही पड़ेगा, जब तक धूप रहेगा तब तक हम लोग को सुखाना पड़ेगा, इसी तरह से घाट घाट करके बढ़िया तरह से लारना होगा, इस तरह से चारों तरफ फैला करके, मतलब पतला करना पड़ेगा, पतला, जितना पतला करके आप लोग सुखाएंगे ना उतना जल्दी सूखेगा, उतना जल्दी सूखेगा। तो यहाँ देख सकते हैं झाड़ू लगना स्टार्ट हो गया है, ठीक से लगा, यही रास्ता बन गया क्या जी, हम लोग घर जाएंगे ना तो रास्ता छोड़े है ये वाला क्या। अरे ना बार बार ऐसे ही धान ना छिटाते रहेगा, हम लोग को बार बार झाड़ू लगाना पड़ेगा शाम तक एकदम ऐसे ही। बहुत मेहनत लगता है सिर्फ धान को उपजाने से लेकर सुखाने तक, चावल निकालने तक बहुत मेहनत लगता है, बहुत प्रोसेस होता है, तब जा करके एक बढ़िया चावल बनता है, और एक रईस आदमी बड़ी चाव से खाता है बाबू। किसान ना बहुत मेहनत करता है, बहुत मेहनत करता है। तो दोस्तों देख सकते हैं मम्मी जी इसको मतलब पछल रहे हैं, कितना गर्दा है देख सकते हैं, बहुत ज़्यादा गर्दा है, एकदम गर्दा उड़ रहा है दोस्तों इस तरह से, जो लास्ट में लास्ट में उठाए थे ना बहुत ज़्यादा गर्दा था, इस तरह से हम लोग को पछड़ाना पड़ता है इस तरह से। 12 बज चुका है, और अभी दोस्तों धान में इधर देख सकते हैं अगर छाव हो गया दोस्तों, और इधर है धूप थोड़ा थोड़ा, और छाव ही है, शायद बारिश भी हो सकता है, कोई पता नहीं है। तो अभी इधर धान को करते हैं दोस्तों इधर से, क्योंकि धूप लगेगा थोड़ा देर, तब फिर उठा लेंगे धान को, तो इधर झाड़ू से इस साइड कर देते हैं। हम इधर धूप में कर दिया है, धूप तो वैसे है नहीं ज्यादा, फिर भी इधर कर दिए हैं, लगेगा जितना धूप उगेगा लग जाएगा। सो दोस्तों फाइनली भी 3 बज चुका है, और सारा धान को देख सकते हैं इस तरह से हम समेट रहे हैं, और अभी दोस्तों कोई नहीं है घर पे, हम और बाबू है, क्योंकि मार्केट गई है मम्मी सब। हम लोग का प्याज दोस्तों वाला जो लगाए थे पौधा छोटा छोटा, वाला गल चुका है पूरा, एक भी नहीं है, पूरा मर चुका है, तो मम्मी जी गई है मार्केट खरीदने के लिए वही। तो हम अभी अकेले सारा धान को उठाएंगे दोस्तों, देख सकते हैं इतना सारा है, यहाँ जमा कर लिए, अभी उधर वाला सब जमा करते हैं दोस्तों, उसके बाद सारा उठाएंगे, बोरा में भरना पड़ेगा। तो हम सारा धान को इस तरह से समेट रहे हैं दोस्तों, देख सकते हैं, उसके बाद बोरा में भरेंगे। अच्छा से भरेंगे बोरा में दोस्तों, अकेले ना धान भरने में बहुत दिक्कत हो रहा है, अभी सूप से अकेले भरेंगे। कन्हैया आओ बोरा पकड़ेगा, आओ बेटा आओ, हाँ पकड़ो, पकड़ना ठीक से, ठीक
कन्हैया इधर पकड़ रहा, हम भर रहे, ठीक से पकड़ना, ठीक से कन्हैया गिरना नहीं। तो दोस्तों अभी घर ले जाके घर घुसा देते हैं, और देख सकते हैं पूरा एकदम छाव कर दिया है, बदली है, बारिश होगा क्या पता नहीं, अब उठा नहीं पा रहा है अकेले, बहुत भारी लग रहा है, और उधर कन्हैया भी रो रहा है। आ बेटा कन्हैया, उठा नहीं पा रहे कन्हैया, बहुत भारी रे। कन्हैया को बहुत जोर से भूख लग गया था और रो रहा था, इसको दूध दे दिए पीने के लिए। क्या कन्हैया भूख लग गया था ना बेटा, तो इसको दूध दे दिए पीने के लिए। अरे देख सकते हैं स्कूल से आ गया पढ़ के, और क्या लेके आया है, कुछ मिला ली। दोस्तों देख सकते हैं पूरा आंगन साफ हो गया है एकदम, देख सकते हैं पूरा सारा धान को अंदर घुसा दिया है घर पे, क्योंकि बारिश हो सकता कभी भी। देख सकते हैं पूरा एकदम बादल छाया है, अभी 4 बज रहा है लेकिन पूरा बादल छा गया है। तो दोस्तों हमारा छोटा सा वीडियो कैसा लगा आप लोगों को, वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक करो दोस्तों, और चैनल पे न्यू आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें दोस्तों। बहुत ही मुश्किल से वीडियो बनाते हैं दोस्तों एकदम, कभी कभी तो अकेले भी बनाना पड़ता है, जैसे अभी घर में अगर नहीं रहा हमारा हस्बैंड काम पे चल जाता तो कभी कभी हम अकेले वीडियो बना लेते हैं, क्या करें, हमें सपोर्ट करें दोस्तों। और क्या बोले, बहुत ज़्यादा थक गए आज तो, पूरा धान निकाले फिर सारा अकेले घर घुस आना पड़ा एकदम, पूरा देख सकते हैं फेस से बहुत ज़्यादा थकावट हो गया दोस्तों। तो बाय बाय दोस्तों।